हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम इकबाल, आप देख रहे हो इकबाल एडिटी। तो आज इस तरह का ग्लास फोन बनाएंगे न्यू फॉन्ट में और न्यू स्टाइल में। तो पूरा वीडियो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का हम कंटेंट लेके आते रहते हैं, न्यू डिज़ाइन, न्यू फॉन्ट और न्यू एडिटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम पिक्सेल ऐप ओपन करते हैं, उसके बाद इसमें हम नेम ऐड करते हैं। फ़ॉन्ट लेने के लिए एबल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ ए बी फ़ॉन्ट में जाएंगे, यहाँ से हम फ़ॉन्ट ले लेते हैं। फ़ॉन्ट लेने के बाद इसमें एक सीप ऐड करेंगे, बैक कर लेते हैं, ताकि हमको इसमें से थोड़ा सा इरेज करना है, काटना है। इसके लिए इसको मर्ज कर देते हैं और उसके बाद इसको बीच वाला ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से इरेजर ले लेते हैं और नीचे का हिस्सा जो है हम इसको इरेज कर देते हैं। ये हो जाने के बाद बाकी का नेम ले लेते हैं, इसमें भी फ़ॉन्ट लगाएंगे तो ए वाला ऑप्शन में जाएंगे, ए भी फ़ॉन्ट में जाएंगे, यहाँ से हम फ़ॉन्ट ले लेते हैं। इस तरह से इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ से एक फ़ॉन्ट और लेंगे हम, उसके लिए भी हम फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन में जाएंगे, ए बी फ़ॉन्ट। ये भी एक रोज़ है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ऐड करने के बाद इसमें एक फ़ॉन्ट और लेंगे बोनस हार्ट का, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, उसके बाद इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद इसको हम सारे को मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद इसको भी थोड़ा सा मेरे को कट लगाना है ये ए में, तो उसके लिए रेजर में जाएंगे और यहाँ से इसको हम जूम कर लेते हैं। उसके बाद साइज़ को एकदम ज़ीरो कर लेते हैं, यहाँ पे हमको हल्का सा फिक्स कर देते हैं इसको, यहाँ पे हल्का सा कट लगाना है। उसके बाद इसको हम सेव करेंगे, उसके लिए ये लेयर वाला ऑप्शन में जाएंगे, ट्रांसपेरेंट में जाएंगे, यहाँ सेव आइकन में जाएंगे, सेव इमेज अल्ट्रा में इसको हम सेव करेंगे। उसके बाद हम PSCC को ओपन करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्लस में जाएंगे, यहाँ से हम एक फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो ले लेने के बाद फिर से लेयर में जाएंगे, यहाँ से जो हम पिक्सल में सेव किए हैं उसे ले लेते हैं। इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसका हम दो डुप्लीकेट बनाएंगे, फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे, लाइटन में जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग सर्कल को निकाल देंगे, इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन, दूसरे नंबर को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ से ड्रॉप शैडो लेंगे, ब्लर 4, डिस्टेंस भी 4, कलर ब्लैक, एंगल आप फॉन्ट के हिसाब से कहीं कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो।
मैं 114 पे रखूँगा। इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टी कर देंगे। लास्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, बेबल में जाएंगे, एफएक्स में जाएंगे, बेबल लेंगे, कलर ब्लैक, और एंगल जो है 47 रखेंगे, ब्लर 16, डिस्टेंट 8। दस इस पे बेबल लगाएंगे। उसके बाद फर्स्ट वाले बीच वाले लेयर को सिलेक्ट करके पिक्सल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कलर फिल करेंगे। यहाँ से प्लस वाला मोड ले लेते हैं, ये सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से पिक्सल को डिसलेक्ट करेंगे और उसके बाद बीच वाला लेयर को सिलेक्ट करके इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एफएक्स में जाएंगे, फोटो में जाएंगे, यहाँ से ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं। ब्राइटनेस जो है एकदम से 0 कर देना है, इंटेंसिटी है जो है पूरा 100 कर देना है। तो इसको जो है हम नीचे वाले लेयर से करेंगे, और इसमें हम टेंट लगाएंगे। उसके बाद इसमें भी हम कलर फिल कर देते हैं, बीच वाला लेयर सिलेक्ट करके फुल पिक्सल सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि पिक्सल ये सिलेक्ट नहीं होएगा। यहाँ से कलर ले लेते हैं, रेड कलर। इसको ब्रश से हम कलर करेंगे। ये हो जाने के बाद यहाँ से हम पिक्सल को डिसलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसी वाला लेयर को सिलेक्ट रखेंगे, यहाँ से प्लस मोड कर देंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट टूल ले लेंगे और ये टिक लगा रहना चाहिए, इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे भी। इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्लस में जाएंगे, यहाँ से लेयर फ्रॉम सिलेक्शन डुप्लीकेट मार देंगे। उसके बाद पिक्सल को यहाँ से डीसिलेक्ट करेंगे और इसमें जो है हम बेबल लगाएंगे। ब्लर हम रखेंगे 5, डिस्टेंस भी 5, एंगल 180, इस बार एंगल 90, फिर से बेबल लेंगे, इस बार एंगल 0, फिर से बेबल लेंगे, इस बार एंगल 90। उसके बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ से क्रॉस लेंगे,
इस तरह से सेटिंग करने के बाद यहाँ से सनी आफ्टरनून लेंगे, इसको फुल कर देंगे। इस पर 30 रखेंगे, सैचुरेशन हम 70 रखेंगे। उसके बाद हम नीचे वाला लेयर सेलेक्ट करेंगे, फ़ोटो वाला, प्लस में जाएंगे और यहाँ से हम एक टेक्सचर ले लेते हैं डाउनलोड, ये वाला गोल्डन वाला, इसको हम रोटेट कर लेते हैं और इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरह से। ओके कर देंगे, बीच वाला लेयर सेलेक्ट करेंगे और ये प्लस में रहना चाहिए। उसके बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करने के बाद फिर टेक्सचर वाला इसमें जाएंगे लेयर में और यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे। इस लेयर ये जो टेक्सचर वाला लेयर है उसको हम सबसे ऊपर भी रख सकते हैं, ऊपर नहीं बीच में ही रखेंगे, जिसमें ड्रॉप शैडो लगाए थे ना उसके ऊपर रखना। उसके बाद हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, बीच वाला जो ड्रॉप शैडो जिसमें लगाए थे, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे और इसको भी करेंगे सिलेक्ट। उसके बाद एफएक्स फुल एंड स्टॉक में जाएंगे, यहाँ से कलर वाइट टैप नोस रखेंगे और उसके बाद कलर जो हम करेंगे उसके लिए ये नीचे वाला लेयर में जाएंगे और यहाँ से जो है हम इसका अमाउंट 10 पे रखेंगे। यहाँ से पिक्सल को डिसलेक्ट कर लेते हैं। उसमें आप इसमें एक काम और रखिए हैं तो उसके लिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे से हम कलर फिल करेंगे। टैप इस बार हम स्टॉक रखेंगे और कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से करना आप लोग। पिक्सल को डिसलेक्ट करते हैं पहले और यहाँ से प्लस मोड को हटा देते हैं। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। उसके बाद हम इसमें हल्का सा कलर भी डाल देते हैं और ब्लर भी डालेंगे। पिक्सल सिलेक्ट है, इसके लिए नहीं आ रहा। के बाद इसको हम थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं ताकि हमारा फॉन्ट दिखे। इसमें हम एक टेक्स्ट पीएनजी लगाएंगे, इसका भी हम ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया। इसमें हम
फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ से ग्लो ले लेते हैं कलर वाइट 0.1। बीच वाले लेयर का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो अब मेरा फॉन्ट जो है अब कंप्लीट हो गया है। इसको सेव करने के लिए डन करेंगे, सेव करेंगे।